फ्रेंड्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट एयर एक्ट 1981। अगर हम एयर एक्ट की बात करते हैं 1981 की, तो मैंने आपको जैसे वाटर एक्ट समझाया, तो आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। वाटर एक्ट और एयर एक्ट 90% सेम है। जो 10% का डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस है। एयर एक्ट जो है वो 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से ही इंस्पायर्ड है। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, उसी से ही ये इंस्पायर्ड था। और उसके बाद जब ये कॉन्फ्रेंस हुई, तो उससे हमने अपने एयर को जो डैमेज हुआ है उसकी बात की कि एयर की डैमेजेस को किस तरीके से कॉम्पेंसेट किया जा सकता है और कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बट एयर एक्ट जो था वो पहले तो आप जब एयर एक्ट लिखने बैठेंगे तो सबसे पहले तो आप बताएं एयर पॉल्यूशन क्या होता है। अगर एयर पॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो एयर पॉल्यूशन एक ऐसा ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर अनवांटेड जो गैसेस हैं, अनवांटेड पॉल्यूटेंट्स हैं, इंक्लूडिंग नॉइस, वो सारा का सारा हमारे एनवायरनमेंट में घुस जाता है, हमारे एयर में आ जाता है, जो कि एक हैजार्डस लिमिट को भी क्रॉस कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ को परेशान कर रहा है, जानवरों को परेशान कर रहा है और हमारे आसपास के बायोस्फीयर को पूरा परेशान करता है, उसको कहते हैं एयर पॉल्यूशन। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसके अंदर एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताएंगे, जो कि मैं शॉर्ट नोट की वीडियोस में आपके साथ सब शेयर कर चुकी हूँ। हैजार्डस केमिकल्स के बारे में बताएंगे, चिमनी के बारे में बताएंगे कि चिमनी क्या होती है। तो आप लेमैन लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि चिमनी जो होती है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए आपके जो एमिशंस हैं वो बाहर निकलते हैं, उसकी आउटडोर जो होती है वो बाहर की तरफ होती है। ऐसे एमिशंस क्या होते हैं, बाहर निकलना किसी चीज़ का, डैट इज़ कॉल्ड एमिशंस। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि आपके प्रिस्क्राइब लिमिट्स क्या हैं, वो बता सकते हैं आप इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद तो आप इसके बाद बताएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। एक तो बोर्ड सेटअप करना, दूसरा पावर ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि डिसीजन हुई थी इनकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, उन सबको अप्लाई करना अपने देश के अंदर, टू कॉन्फर द पावर्स ऑफ स्टेट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। फिर उसके बाद टू एस्टेब्लिश लेबोरेटरीज, जो जितनी भी लेबोरेटरीज हैं, दैट इज स्टेट लेबोरेटरीज, सेंट्रल लेबोरेटरीज, वो सब एस्टेब्लिश करना। फिर जो टू अबेट एंड कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, एंड प्रिजर्व क्वालिटी ऑफ एयर, एयर की क्वालिटी को प्रिजर्व करना, ये सारा आपके एयर एक्ट में जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर बताएंगे कि एयर पॉल्यूशन करते हुए जो भी अथॉरिटी अगर आपकी एयर पॉल्यूशन करती है तो उसको किस तरीके से पेनल्टीज लगाई जाती हैं, क्या इनकी पनिशमेंट्स होती हैं, जैसे कि एक मिनिमम पनिशमेंट जो पोल्यूशन करने वाले की या डैमेज टू एनवायरनमेंट करने वाले की होती है वो 6 मंथ से लेके 6 ईयर्स तक जाती है, और उसको 10,000 का फाइन देना पड़ता है, या दोनों भी मिल सकती है। और इफ यू स्टिल परसिस्ट टू डू दिस डैमेज टू द एनवायरमेंट आफ्टर गेटिंग पनिशमेंट ऑल्सो, तो आपकी यही जो पनिशमेंट या पेनल्टी है वो बढ़ के 5,000 पर डे हो जाती है, साथ में इम्प्रिजनमेंट हो जाती है 2 ईयर्स मिनिमम एंड 7 ईयर्स मैक्सिमम। तो इस तरीके से इनकी पेनल्टीज लगती हैं। डिफेंसेस भी हैं इसके कुछ। डिफेंस क्या है, या तो आपका वो कंसेंट ना हो उसको हैजार्डस सब्सटेंस को यूज करने के लिए, या आपने वो किया ही नहीं है, या आपने इनोसेंस में कर दिया है, तो ये सारी चीजें आप डिफेंसेस में डाल सकते हैं। और उसके बाद आप एयर एक्ट में भी सेम वही बोर्ड्स बनाएंगे कि इसमें भी सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड होता है, और सेंट्रल बोर्ड की कॉम्पोजिशन लिखेंगे, उनके काम बताएंगे, स्टेट बोर्ड की कॉम्पोजिशन लिखेंगे, उनके काम बताएंगे। तो इसी तरीके से आप बोर्ड्स बताएंगे, उनके फंक्शंस बताएंगे, तो ये आपका एयर एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1987, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक हैं जो हमें अच्छे से करने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।